फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल एम्प्टी सपोर्ट। एम्प्टी सपोर्ट में आज लेग कटर बॉलिंग किस तरह से करेंगे ये सीखेंगे। दोस्तों, लेग कटर बॉलिंग काफ़ी टेनिस क्रिकेट में फ़ायदेमंद है दोस्तों, दूसरी गेंदों से। क्योंकि दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा टेनिस क्रिकेट में, आप जो देखते होगे दोस्तों, काफ़ी जो बैट्समैन हैं, जो हार्ड हिटर है, जो काफ़ी नामी बैट्समैन हैं दोस्तों, वो ऑफ स्टंप के बाहर आके या स्टेप आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं लेग साइड पर। तो दोस्तों, क्या है ना, उसके सामने आपको बॉलिंग करनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्योंकि क्या है ना, वो जब आप रिलीज, आपके रिलीज पे उसका प्रॉपर ध्यान होता है, वो पहले से ही दोस्तों ऑफ स्टंप के बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप जो लेंथ करते हैं ऑफ स्टंप पे, तो सीधी गेंद डालोगे या फिर दूसरी गेंद जो लेग साइड पर डालोगे या मिडिल स्टंप पर डालोगे या ऑफ स्टंप पर डालोगे, तो वो उसमें आसानी से चौके या छक्के लगाई देगा। तो दोस्तों, ये लेग कटर बॉलिंग काफ़ी फायदेमंद हो रही है दोस्तों। उसमें मैंने काफ़ी देखा है मैच, इसमें काफ़ी जो मैंने एनालिसिस किया है, जो बॉलर हैं जो लेग कटर बॉलिंग करते हैं, जिसके पास बढ़िया उछाल होती है, जिसके पास रफ्तार होती है दोस्तों, वो जो लेग कटर बॉल करता है, तो दोस्तों उसके सामने विकेट्स और डॉट्स लेने में चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं ये किस तरह से आप भी लेग कटर बॉल डाल सकते हो और टेनिस क्रिकेट में काफ़ी आप एक बढ़िया बॉलर साबित हो सकते हो। लेग कटर बॉलिंग के लिए दोस्तों, सबसे मैं लेग कटर बॉलिंग की मैं बोल दूँ उसके बारे में। लेग कटर बॉल होता है जो लेग स्टंप पे आप टप्पा रिलीज करते हो, राइट हैंड बैट्समैन को मिडिल स्टंप में करते हो या ऑफ स्टंप में करते हो, तो वहाँ से बाहर कट होती है, बाहर निकलती है दोस्तों। तो इसके लिए आप जो बढ़िया तरीके से आपको ग्रिप होनी ज़रूरी है, रिलीज होनी ज़रूरी है और लेंथ होनी ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें लेग कटर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और जो चौथी है, वो जो उछाल होता है दोस्तों, जो काफ़ी मेहनत के बाद आता है। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि उछाल भी आप इसी मैं यहाँ पे सिखा दूंगा तो आ जाएगा, लेकिन उछाल भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए आइए दोस्तों, किस तरह से ये लेग कटर बॉल डालते मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। सबसे पहले जो ग्रिप होती है दोस्तों, वो होती है इस तरह से, आपको पकड़ना है गेंद को दोस्तों। ये जो दो उंगलियां हैं उसको यहाँ से टाइट पकड़ना है, उसको इस तरह से पकड़ना है दोस्तों। ऐसे पकड़ के दोस्तों, जो ये जो हाथ है दोस्तों, उसको आपको यहाँ से ये पकड़ के दोस्तों, इधर से पकड़ के ऐसे, यहाँ से ऐसे पकड़ के दोस्तों, ऐसे लगा के ऐसे डालना है देखो ऐसे। और दोस्तों, डालने से जब रिलीज करते हो तो दोस्तों ऐसे करना है, यहाँ से देखिए ये ऐसे। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से आपको गेंद को रिलीज करना है। यहाँ से ऐसे, ये जो हाथ है इसको ऐसे पकड़ के दोस्तों, यहाँ से ऐसे पकड़ के, ये जो है इसको इधर से, यहाँ से ऐसे करके, इधर से करके दोस्तों ऐसे करना है, ऐसे करोगे दोस्तों, तो यहाँ से ऐसे आपको, फिर से दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ से किस तरह से ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है दोस्तों, इसे करना है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए आपको लगा होगा कि मैं प्रैक्टिकल कर दिया दिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों क्या है ना, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे दिखा तो दूंगा कि भाई इस तरह से करके आप डालोगे तो लेग कटर होगी, देखिए। लेकिन क्या है ना, इसका जो प्रॉपर जो है वो क्या होता है, ग्रिप और रिलीज होता है दोस्तों। तो प्रॉपर ग्रिप मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको पकड़ना है, दो उंगली को इस तरह से पकड़ के, इस तरह से पकड़ना है, यहाँ से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पकड़ के, ये जो दो है आगे से, ये थोड़ा सा टाइट पकड़े आप, इसे इस तरह से टाइट पकड़े और यहाँ से ये जो उठाए यहाँ पे रखे और ऐसे करें, जब रिलीज करें गेंद को, यहाँ पे से दिखा रहा हूँ मैं आपको किस तरह से, देखिए ये पीछे जाके दोस्तों, जब यहाँ पे से रिलीज करते हैं ऐसे करना है, ये जो हाथ है अपना ऐसे करना है, ऐसे घुमाना है। इस तरह से आप घुमाओगे दोस्तों तो गेंद दोस्तों मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप से बाहर निकलेगी। तो काफ़ी जो बैट्समैन है वो जो ऑफ स्टंप के बाहर आते हैं तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि पहले से वो स्टांस ले लेते हैं। तो आपको दोस्तों चौकन्ना होके दोस्तों उसके बॉडी पे से टप्पा रिलीज करके बाहर निकलना है, बॉडी से, जैसे वो पहले से ही स्टांस ले लिया तो क्या ना, उसके बॉडी पे आप टप्पा रिलीज करो, उससे बाहर निकालो दोस्तों। लेंथ काफ़ी ज़रूरी है, इस लेंथ पे भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप बढ़िया लेंथ पे ये बॉल डालेंगे तो यकीनन ही आप डॉट्स निकाल पाएंगे और विकेट चटका पाओगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप थोड़ी सी मेहनत करें लेग कटर पे, आपको काफ़ी टेनिस क्रिकेट में फ़ायदा होगा लेग कटर से। क्योंकि क्या है ना, अभी जो टेनिस क्रिकेट का जो
ज्यादा से ज्यादा आप देख रहे होंगे मैच टेनिस क्रिकेट के, तो दोस्तों वो वहाँ पे स्टेप आउट करके ही बैट्समैन खेलते हैं और ज्यादा से ज्यादा 80 या 90% लेग साइड ही शॉट्स बनाने में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों आप उसी तरीके से ये बॉल डाल के उसको डॉट्स और विकेट लेने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद, और जो मेरे सब्सक्राइबर है उसका मैं बहुत दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और दोस्तों मेरे जो टेनिस क्रिकेट से जुड़ने के लिए मेरे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले, जो नए दोस्त हैं मेरे। और दोस्तों ऐसे ही टेनिस क्रिकेट के नए वीडियो मैं हर वीक लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।